वेलकम टू एग्जाम क्रैकर दोस्तों। जैसा मैंने कहा था आपको कि संविधान में सबसे ज़्यादा अगर कुछ इम्पॉर्टेंट है तो वह है फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। तो आज हम लोग देखेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब देखेंगे। पहले ही मैंने बता दिया था कि ये सारे वीडियोज़ जो हैं वो मेनली PCS को टारगेट करते हुए हैं। अभी तक आपने सिर्फ पढ़ लिया संविधान में कि मौलिक अधिकार क्या है, कभी आपने ये नहीं देखा मौलिक अधिकार क्या है। इसमें आपने आर्टिकल देखा, हाँ 14 से लेकर समानता का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, धार्मिक है, आपने डिस्क्रिमिनेशन पढ़ लिया, लेकिन कभी नहीं जानना चाहा कि इस मौलिक अधिकार और समान जो कानूनी अधिकार है उसमें क्या। जैसे कि किसी को अगर मर्डर है तो 302 लगता है, तो उसमें और जो हमारे सामान्य कानून है उसमें मौलिक अधिकार में क्या फ़र्क है। दूसरा, मौलिक अधिकार की ज़रूरत ही क्या है हमें, क्यों क्या जरूरत है मौलिक अधिकारों की। तो ये सारी चीज़ें पहले हम देखेंगे, फिर मौलिक अधिकारों पे चर्चा करेंगे और फिर एक ट्रिक देखेंगे जिससे कि हम मौलिक अधिकारों को याद कर सकें। तो अगर मैं बताना चाहूँगा आपको, देखिए अगर आप चैनल पर क्लिक करते हैं तो आप हमारे चैनल पर आएंगे तो प्लेलिस्ट में जाइए। आप प्लेलिस्ट में हाँ ज्योग्राफी के आपको सारी वीडियो, मैथ्स की सारी वीडियो, पॉलिटी संविधान के 3 वीडियो हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। जो पहले मैंने बताया था कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आर्टिकल है उसके 1,00,000 अभी 1,01,000 से ज़्यादा लोगों ने उसे देखा है, तो आप भी उसे वॉच करिए। आइए चलते हैं हम अपने पहले स्लाइड की तरफ। तो देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, भारत का संविधान, और उसमें हमारा टॉपिक रहेगा मौलिक अधिकार। जैसा मैंने कहा था पहला ही क्या है, मौलिक अधिकारों का अर्थ, क्या जरूरत है हमें इन्हें, इन मौलिक अधिकारों का। तो देखिए जरा, मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किया जाता है। मतलब क्या है कि ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, इसके बगैर जीवन पॉसिबल नहीं है। क्यों, जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि आप यूपी में है तो आपके लिए कोई और मौलिक अधिकार, आंध्र प्रदेश में है तो कोई और, तमिलनाडु में, सबके लिए समान। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्तित्व को पूर्ण विकास, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट टर्म है, पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। जब मैं गया था इंटरव्यू देने UP SSC का, तो मुझसे यही पूछा गया था कि मौलिक अधिकारों की हमें ज़रूरत ही क्या है, जिनके द्वारा मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। ये अधिकार कई कारणों से मौलिक है, क्या है इनमें, देखिए जरा। पहला देखिए, इन अधिकारों को मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है। संविधान जो हमारा है, संविधान सुप्रीम है, उसमें इसको डायरेक्ट स्थान दिया गया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कि अतिरिक्त इसे किसी प्रकार संशोधित नहीं किया जा सकता। दूसरा क्या है, ये अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु, देखिए मैंने ऊपर बताया था ये विकास हेतु मूल रूप से, इंटरव्यू में आप जरूर इसे बताएंगे अगर आपसे पूछा जाएगा तो, क्यों जरूर, कि व्यक्ति के जीवन और विकास के लिए मौलिक अधिकार जरूरी हैं, कि अभाव में व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। तीसरा पॉइंट देखिए, इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट, मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य है। न्याय योग क्या मतलब, अब इसको मैं बताता हूँ, तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होते हैं। अब देखिए दो चीज़ें आपको आती हैं, दो चीज़ें क्या, एक आपका मौलिक अधिकार हो गया फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी, इसको नेगेटिव कहते हैं, नेगेटिव, और इसको पॉजिटिव। कारण क्या है नेगेटिव में, कि अगर ये लागू नहीं हो रहे हैं तो आप सरकार के विरुद्ध जाके न्यायालय जा सकते हैं, कोर्ट जिसको कहते हैं, कोर्ट आप चले जाएंगे इनको, लेकिन इसको लागू करने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये सरकार के अगेंस्ट काम करता है, अगर कोई सरकार अच्छा नहीं कहे जैसा आपको मौलिक अधिकारों से वंचित रखती है तो उसके आप कोर्ट चले जाएंगे। याद रखिए इसी बार PCS में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट किस प्रकार की प्रवृत्ति है, तो नकारात्मक या नेगेटिव प्रवृत्ति का है, जबकि फंडामेंटल ड्यूटी जिसको मौलिक कर्तव्य कहते हैं, कैसा, पॉजिटिव। चलिए अभी आपने देखा कि मौलिक अधिकार हमें क्यों जरूरी है, अब ये हमें देखना होगा कि मौलिक अधिकार और सामान्य कानून में क्या फर्क है, तो आइए उन्हें भी देख लेते हैं।
देखिए ये सारी चीज़ें आपको किसी भी बुक में कहीं भी नहीं मिलेगा। ये मैंने खुद से इंटरनेट पे सर्च करके कई जगह बुलाया, जब मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था उससे पहले ही मैंने इसके लिए बनाया गया था, क्योंकि एक मेरे सीनियर थे उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। चलिए अब देखिए अगला टॉपिक जो मैंने बताया था, साधारण कानून अधिकार और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर क्या है। तो देखिए क्या है, साधारण कानून अधिकारों को राज्य द्वारा लागू किया जाता है तथा उसकी रक्षा की जाती है। जैसे कि बिहार में शराबबंदी पहले नहीं थी, अब बंदी है, तो ये किसके द्वारा है? राज्य द्वारा। जबकि मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा लागू किया जाता है अथवा संविधान द्वारा ही इसका सुरक्षित किया जाता है। दूसरा, साधारण कानून अधिकारों को विधानमंडल मतलब जिस राज्य में है द्वारा परिवर्तन किए जा सकते हैं, पर मौलिक अधिकारों को परिवर्तन करने में संविधान परिवर्तन की आवश्यकता है। मतलब संविधान में अगर परिवर्तन करेंगे तभी मौलिक अधिकार बदल पाएगा। अब आइए हम देखते हैं मौलिक अधिकार एक्चुअली में हमारे पास हैं क्या। तो देखिए ये आपको सारी बुकों में मिल जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं है। इसमें जो नया है वो मैं बताऊंगा, इसमें क्वेश्चन क्या आता है। तो इक्वालिटी, राइट ऑफ इक्वालिटी, समानता का अधिकार किसमें है? आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 जिसको कि अनुच्छेद कहते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? 19 से लेके 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से लेके 28। संस्कृतिक शिक्षा का अधिकार 29 से लेके 30 तक। जबकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। इसको देखिए आप, भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था? यहां लिख देता हूं मैं, आत्मा। याद रखिए B.R. अंबेडकर ने इसे क्या कहा था? संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 को। 14 है वो क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, मतलब क्या है? समान, सभी के लिए समान कानून, समान कानून, इसका मतलब ये है। आपका जो 15वां है उसमें क्या है, धर्म डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअली में है कि आप मतलब जाति धर्म और लिंग के स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकते, बुक में आपको मिल जाएगा, इसमें कुछ भी खास नहीं है। दूसरा आपका जो 16वां है वो है आपका अवसर की समानता। अब ये देखिए अवसर की समानता क्या है 16 में, लेकिन ये इसमें अपवाद क्या है? OBC, SC और ST को इससे अलग रखा गया है। ये अवसर की समानता, अगर आप कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि अवसर की समानता अगर है तो सबको समान अवसर मिलना चाहिए, तो ये आपका होगा नहीं, क्योंकि OBC, SC, ST को अलग इससे रखा गया है, इसीलिए आप कोर्ट में आरक्षण को चैलेंज नहीं कर सकते। चलिए अब आ गया आपका 17, नॉन टचेबिलिटी है, जो कि अस्पृश्यता छूने वाला जो था उसको कोर्ट ने भी बैन किया था और सरकार ने भी उसको संविधान में हटा दिया था। इम्पोर्टेंट क्या है 18 आखिरी वाला, जो इसमें आपको बताया मैंने 16 और 18 आपको जानना है, जो आपकी किताबों में नहीं डिटेल में दिया रहता है। ये कहता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत। क्या है? उपाधियों का अंत। अब जैसे बहुत लोग सोचते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का नाम मनोज गुप्ता है, तो लोग कहते हैं हम जातिवाद नहीं कर रहे क्योंकि हम टाइटल हटा लेते हैं अपना। देखिए वो टाइटल नहीं होता, जो आपके नाम के लास्ट में लगता है वो टाइटल नहीं होता। लोग सोचते हैं वो टाइटल है और कई जगह आपको मिल भी जाता है उसका टाइटल, वो लास्ट नेम होता है, वो टाइटल नहीं होता, वो क्या होता है? लास्ट नेम, याद रखिएगा, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन है, वो टाइटल आपका नहीं है। जैसे मेरा बिना पांडे, तो पांडे टाइटल बिल्कुल नहीं है। पहली बात ये जानिए, टाइटल किसी के द्वारा दिया जाता है आपको और वो नाम के स्टार्टिंग में लगता है, शुरू होने में, कभी अंत में, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, तो टाइटल कहाँ लगेगा? नाम के स्टार्टिंग में। दूसरा, टाइटल जो होता है वो किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, जबकि हमारा जो लास्ट नेम वो हमें स्वतः ही मिल जाता है, आप बिल्कुल मत समझे कि वो टाइटल है। दूसरा आप याद रखिए कि जो हमारा सारे प्राइज हैं, जो भी अगर उपाधियों का अंत हो गया तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि जो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, सेना के सारे जो अगर पुरस्कार हैं वो किसमें दिए जाते हैं, तो इसी के अंतर्गत दिए जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि आ सरकार दे सकती है बशर्ते पाने वाला जो व्यक्ति है
वह क्या करेगा, इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, इसका यूज मतलब नहीं कर सकता। मतलब आप जैसे किसी को भारत रत्न मिल गया, तो जैसे APJ अब्दुल कलाम है, तो वो अपने नाम के आगे ये नहीं लिख सकते कि भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब ऐसे कोई, जैसे किसी को पद्म विभूषण मिला, तो वो नहीं लिखेगा पद्म भूषण, ये अपने नाम के आगे आप उसको लगा नहीं सकते। ये केवल और किस कहीं भी आपको मिलता है, तो उससे पहले आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। चलिए अगला पॉइंट आप देखिए, अगला है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से लेके 22 तक। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। चलिए इस पे देखिए, 19 से लेके 22 तक, एक एक को देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, देखिए सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहली प्रायोरिटी ये है और दूसरी ये है, उसके जो भी कुछ तीसरे पे ये है, एकदम सिक्वेंसली ऑर्डर में है ये। यही तीनों की चर्चा करेंगे, इनकी चर्चा हम नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा मैं बता दूंगा आपको। तो इन तीनों में एक हो गया, दूसरे को देखिए, दूसरा 19 जो है उसमें 19 क में आप जानते हैं क्या है, बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो आप कहते हैं ना कि भाई जो कि JNU में हो रहा था, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो बोलने का अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है। लोग ये नहीं समझ पा रहे कि बोलने का अधिकार है हमारे पास, कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। वो कहते हैं ना कि एक सिंपल सी बात है कि आपके पास नीचता का अधिकार है, नीचता का अधिकार नहीं है। तो 19 में ही है आपका क्या, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, प्रेस का भी 19 कॉमे में डाल दिया गया है। बस और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं था, बस यही था कि बोलने का अधिकार आप समझें कि क्या है एक्चुअल में। दूसरा आप 20 और 21 को याद कर लीजिए हमेशा, PCS में भी इसी बार UPPSC 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये दो आर्टिकल ऐसे हैं जिनको कभी भी हटाया नहीं जा सकता, अगर इमरजेंसी आपातकाल की स्थिति में भी इन दो आर्टिकलों को आप हटाया नहीं जा सकता। तो एकदम याद करके लिख लीजिए कि 20 और 21 को क्या क्या नहीं किया सकता, परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर इमरजेंसी लगी है तो सारे आपके अधिकार हट जाते हैं, लेकिन 20 और 21 नहीं हटता है। तो इमरजेंसी के टाइम कौन सा आर्टिकल नहीं हटेगा, 20 और 21। तो आइए एक बार थोड़ा देख लेते हैं 20 और 21 में है क्या। जो 20 हमारा है, तो ये है कि अगर कोई आदमी है, उसको कोई किसी काम में उसकी मतलब उसको दोष हुआ है, तो एक बार जो गलती किया उसके लिए एक ही बार सजा मिलेगी, कई तरह के सजा उसको नहीं मिल सकती। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने आज चोरी की, तो आज का जो कानून है उसी के आधार पे आपको सजा मिलेगी, ना कि अगर जो पहले था या जो बाद में बनाया गया। जैसे कि अगर आप चाहें कि हाँ किसी को पर्टिकुलर सजा देने के लिए आपने कानून आज बदल दिया उस गुनाह होने के बाद, तो वो उस पे लागू नहीं होगा। दूसरा, किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष पर जो जीवन जीने का अधिकार है, जो आप दिल्ली में देखते हैं गाड़ियां बंद हो गई हैं, वो इसीलिए बंद हो गई हैं आर्टिकल 21 के कारण ही, कि जो ज़्यादा धुआं दे रही थी, वो कहा, कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण हमारे लिए जरूरी है और ये आर्टिकल 21 को नहीं मानता है, इसलिए मतलब एबॉलिश करता है, पर्यावरण हमें चाहिए ही चाहिए। तो याद रखिएगा 20 और 21। दूसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें, 23 और 24 में, किस टाइप का शोषण है जरा देखिए। थर्ड ये कहता है कि मानव के द्वारा मतलब आप उससे बाल श्रम या ऐसी चीजें या उसकी तस्करी नहीं कर सकते। दूसरा, जो बालक हैं जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है, 14 वर्ष से, उनको आप काम पे नहीं लगा सकते, कारखानों और जहां जोखिम भरे काम होते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा कि 14 वर्ष से कम उम्र है, तो जोखिम भरे कामों में, कारखानों में आप उन्हें नहीं लगा सकते। बाकी ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये फिर से मैं बता रहा हूँ, जो रिट 32 के तहत जारी होते हैं उनको आप एक बार देख लीजिएगा, ये संविधान की आत्मा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। अब आइए इनको याद कैसे करें, इसके लिए एक ट्रिक भी देख लेते हैं हम। तो देखिए जो ट्रिक है वो आपके पास ये है, क्या है ट्रिक देखिए, इसको आप अंडरलाइन करिए पहले, ये है, कर समक्ष शोध संस्कृति के उपचार हैं।
आप ये लाइन बहुत अच्छी है। आप देखिए, समस्त जो शोध होते हैं वो किसके लिए होते हैं? संस्कृति को बढ़ाने के लिए। संस्कृति में उपचार मतलब संस्कृति में जो खामियां हैं हमारे, उसको दूर करने के लिए। तो ये आप एक बार में से याद कर सकते हैं, फिर दोबारा कभी नहीं भूलेगा आपको। समस्त शोध संस्कृति के उपचार हैं। अब देखिए, पहला जो स और म है, स और म, उसमें क्या है? सम। देखिए, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। और देखिए जो आखिरी के दो हैं, स और था, स्वतंत्रता का अधिकार, किस चीज का है? राइट टू फ्रीडम। 20 से 19 से 21, जिसमें 19 बोलने वाला है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, 21 आपका एक बार मतलब जो व्यक्ति है जो इसमें अगर पकड़ा गया उसी में उसको सजा मिलेगी, ना कि पहले और ना कि बाद। इसी में 21 क में भी आपका क्या है? बच्चों का जो आपका एजुकेशन है, आपका 6 से 14, वो इसी में है, संशोधन किया गया था। दूसरा आपका शोध, शोध में भी दो है, सो और ध। ये क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 24, राइट टू, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ध में धार्मिक स्वतंत्रता, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। संस्कृति, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, आपका संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और उपचार तो आप जान ही रहे हैं, संवैधानिक उपचार जिसको कहते हैं, यानी आर्टिकल 32। तो बहुत ही सुंदर सा ट्रिक है ये, कभी भूलेगा नहीं आपको। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर सारे वीडियो आप देखने के लिए पॉलिटी या संविधान के प्लेलिस्ट में जाएं और उस सारे जो जो भी 3 वीडियो हैं उसका पूरा वॉच करें, संविधान का एक भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।